हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना राजवीर और आज है हमारा फिटनेस ब्लॉग डे 7। तो आज हम करने वाले हैं अगेन चेस्ट का वर्कआउट, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि यार हैवी वेट मारने की कोशिश करूंगा जितना लास्ट टाइम मैंने किया था। मैंने लास्ट टाइम फ्लैट बैच, इंक्लाइन, डिक्लाइन, बेंच मैंने रोड के साथ यूज किया था। आज मैं करूंगा डंबल्स के साथ और मैक्सिमम वेट को पुश आउट करने की कोशिश करूंगा। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि यार वेट के पीछे आपको नहीं भागना है। मैं काफी टाइम से कर रहा हूं तो मेरी बॉडी जो मसल वेट है वो थोड़ा सा सपोर्ट कर देती है हैवी वेट के लिए, बट रिकमेंड मैं सबको करूंगा आपको वेट के पीछे नहीं भागना है। पोजिशन और अपनी मसल स्ट्रेंथ के पीछे आपको फोकस करना है। जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है आपको सिर्फ इतना ही वेट पुश करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। इक्वल लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलो शुरू करने से पहले मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया अभी तक, और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो करते हैं शुरू। हरी तो पहले एक्सरसाइज जो स्टार्ट करूँगा मैं करूँगा 20 kg से, 20 kg, और कोशिश करूँगा मैक्सिमम ट्राई करने की जितना हो सकता है। तो पहला पोजिशन से एल शेप में बना, एक्सरसाइज होती है अपर चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच पे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा वेट और गेन करूँ, 25 kg से करने की कोशिश करता हूँ। बहुत इजीली कर पा रहा था 20 kg वेट में, तो मैंने वेट गेन करना है 25 kg। ये मेरा पहला सेट है और मैं आज टोटल 3 एक्सरसाइज करने वाला हूँ, अपर चेस्ट, मिडल और लोअर चेस्ट के लिए। बहुत नीचे लाते हुए आपको सांस अंदर लेनी है, ऊपर जाकर सांस छोड़नी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है तो आप वेट बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मेरी बॉडी मेरे को अलाउ कर रही है कि मैं और भी वेट गेन करूं, मैं कोशिश करता हूं 30 kg से मारने के लिए। तो जैसे कि मेरी बॉडी मेरे को अलाउ कर रही थी 25 kg में, 8 repetition मैंने किया, अब मैं कोशिश करूंगा 30 kg में मारने के लिए। आज थोड़ा मन हैवी वेट को करने का, तो अपर चेस्ट के लिए मैं आज कर रहा हूँ 3 एक्सरसाइज करूँगा टोटल। जैसे पहले पार्ट 1 में मैंने किया था फ्लैट बेंच, इंक्लाइन और डिक्लाइन बेंच में, सेम इसी तरह करूँगा लेकिन इस बार मैं डंबल्स का यूज़ करूँगा। तो यही हमारे 30 kg, 30 kg के डंबल्स मैंने यूज़ कर रहा हूँ। जब हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले हम लेफ्ट को पुश करेंगे, 1, 2 लाइक दैट, नीचे आएगी स्लो स्लो, गर्दन पर चढ़ेगी। कई बार क्या होता है कि लोग गर्दन पर कर लेते हैं, गर्दन की दिक्कत होती है, उसे अवॉइड करने के लिए हमेशा गर्दन को बेंच के साथ टच करके रखना है। रिपीटेशन मैंने निकाले, इसी तरह सब करूंगा मैं दूसरी एक्सरसाइज जो फ्लैट बेंच पे, बेंच पे मैं डंबल्स यूज करके करूंगा। तो चलो करते हैं दूसरी। आज ये हमारी दूसरी फ्लैट बेंच में डंबल्स यूज करते हुए मैं सेकंड करूंगा, स्टार्ट करूंगा 20 kg से, हाफ बॉडी ऊपर, टेबल पे हाफ नीचे, पैर को 1, 2। ये एक्सरसाइज हमारी मिडल चेस्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, 20 से करूँगा स्टार्ट करूँगा, मैक्सिमम जितना मैं जा सकता हूँ गर्दन टच करके ऊपर करने पर। कई बार क्या होता है इंजरी बहुत ज़्यादा होती है तो उसे अवॉइड करना है। और 5, 6, 7, 8 है, मैं वेट बढ़ाता हूँ 25 और ये भी 30 तक कोशिश करूँगा लेके जाने के लिए। मैंने बहुत इजीली 20 kg से 10 repetition को निकाला और कोशिश कर रहा हूँ कि 25 से भी 8 से 10 को निकालने की कोशिश करूँगा।
21 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है किसी का, वो भी पूरा करना है। सेम स्लोली से जाते हैं, सुपर। ये हमारी मिडल चेस्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हैवी ब्रेक और जो थिंग से हम साथ बचना है, मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है तो मैं वेट बढ़ा पा रहा हूँ और मैं इजीली निकाल पा रहा हूँ 7 से 8 से रेपिटेशन। बहुत इजीली मैंने निकाले, कोशिश करूँगा 30 kg में निकालने के लिए। और ये होगा मेरा दूसरा सेट मिडल चेस्ट के लिए इधर। इसके बाद करेंगे हम इंक्लाइन में, हमने पहले किया इंक्लाइन में डंबल्स के साथ में फ्लैट बेंच के साथ, और तीसरी करूँगा मैं डिक्लाइन बेंच पे। कोशिश करूँगा जितना हो सकता है वेट करने की, आज हैवी वेट डे मैं बना रहा हूँ, तो चलो देखते हैं कोशिश 30 में कितने निकाल पाता हूँ। तो मैंने 30 kg डंबल ले लिया है और कोशिश रहेगी मैं इजीली जितनी भी रेपिटेशन निकाल सकता हूँ, और इंजरी को अवॉइड करना है क्योंकि हैवी वेट्स का जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो इंजरी सबसे बड़ा होता है। हमारी पोजीशन, हमारे कंपोजिशन जो हमारी मसल पे फोकस करती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इगो लिफ्टिंग कर रहे हैं जस्ट कि यार सामने वाले ने ज़्यादा किया तो उसे ज़्यादा मैंने करना है। कुछ नहीं होता मेरे भाई ईगो लिफ्टिंग से, कुछ भी नहीं होता इंजरी के सिवाय। सिर्फ 3 रेपिटेशन निकाल रहा। ये पॉजिस स्पेशली जब बंदा ईगो लिफ्टिंग कर रहा होता है, बॉडी सपोर्ट नहीं करती और उठा रहे हैं, इंजरी लेके बैठ जाते हैं, फिर एक्सरसाइज हो जाती है। चलो करते हैं आज की तीसरी और फिर करेंगे वर्कआउट आज का ख़त्म, ब्लॉक फिटनेस डे 7। चलो तो ये आज की मेरी आखिरी और तीसरी एक्सरसाइज, मैं करूँगा डिक्लाइन बेंच पे, स्टार्ट करूँगा 10 kg डंबल्स के साथ में, क्योंकि मैंने देखा है मोस्टली जो इंजरीज होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन बेंचेस पे होती हैं। लोग जो भी एक्सरसाइज कर रहे थे परफॉर्म कर रहे होते हैं वेट पे फोकस कर रहे होते हैं, पोजीशन पे नहीं करते, तो कई बार क्या होता है उनको लोअर चेस्ट के जो मसल है वो टिश्यूज पड़ते हैं और फिर उनको फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यार हमने ऐसा करना ही कुछ नहीं है ना इसमें, हमारे को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े। पहला जो तो पोजीशन जो होती है ना वो मैंने देखा है वो पीछे लेके जाते हैं, यार आप क्या कर रहे हो, या आप इंजरी अपने को कर रहे हो, आपको क्या करना है नॉर्मल जैसे चेस्ट कर रहे थे ऐसे। ये लोअर चेस्ट के लिए होती है, आप देख पा रहे हैं कहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत ही इजीली मैंने 8-9 सेट रेपिटेशन किए। तो मैं वेट को बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी ने मेरे को अलाउ किया कि यार हाँ मैं इस वेट को डबल कर सकता हूँ, मैं डबल लेके आता हूँ। मैंने आपको बताया कि मेरी बॉडी ने मेरे को अलाउ किया कि मैं वेट बढ़ा सकता हूँ, तो मैं 20 kg के डंबल यूज़ कर रहा हूँ। देखता हूँ कितने रेपिटेशन में इस पर निकाल पा रहा हूँ। वेट पे फोकस नहीं करना है, मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है अब, और ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है कि आप वेट गेन कर सकते हैं तो आप गेन करिए, अदरवाइज सिर्फ पोजिशन और मसल पर फोकस करना है। वेट उतना लीजिए जितने आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो
8 रेपिटेशन और ये थी मेरी आज की आखिरी एक्सरसाइज। तो इसी तरह कल हम दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा लो। ठीक है, कल मिलते हैं दोबारा डे 8 के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।